कोई किसी की जबरदस्ती थोड़ी है और ना कोई किसी पे दबाव डाल सकता। मेरी औकात क्या, मैं तुम्हें बैठा रखूं? हैं, सीधी सी बात है, रहने तो यार, डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ना तो मौलवी की जिम्मेदारी है, ना अरकान की जिम्मेदारी है, ना मिंबर वालों की जिम्मेदारी है। किससे सुनवाएंगे ये बगदाद वाला जाने, और कौन सुनाएगा ये भी बगदाद वाला। वाह वाह सुभान अल्लाह। कमी थोड़ी है दुनिया में किसी की। रह गई बात सुनाने की तो समझे, पाए बुरा लंगने मुल्के खुदा तंगने। आप तो खैरियत से हैं माशाल्लाह, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह उन लोगों को भी आने की तौफीक दे जो चले गए। वैसे बड़े बूढ़े ये कह गए हमारे जो चले जाते हैं, वो आया, समझ रहे तो बोले, वो आया। घर से नहीं आते कि कब्रिस्तान से नहीं आते? कब्रिस्तान वाले नहीं आया कहते, अगर आते भी तो ख्वाबों में आते हैं। जिसके आ जाए उसे डर लगता कहीं मेरे ही नंबर में फोन करके एक साहब कह रहे, हजरत कई दिन हो गए मुर्दे दिखाई दे रहे, इसकी ताबीर क्या है? भाई हम नजूमी हैं क्या? ताबीर बताने बैठे। सबसे ज्यादा टाइम खराब करने वाला काम दो होते, नंबर एक जिसके पास फालतू टाइम हो तावीज करने बैठ जाए, नंबर दो इससे भी ज्यादा टाइम है तो ताबीरें बताने बैठ जाए। सुबह आंख बाद में खुलती है, फोन पहले बचता। आज तो मैंने मुर्दे देखे, आज मैंने कब्रिस्तान देखे, इतना डर गया। अगर तुम देने में उनके नाम पे बखील हो तो फिर वो जानते नहीं है कि अल्लाह ने इतना दिया, इसने 11 निकाल कर, कभी 11वीं आया करे ना तो सिर्फ 11 नहीं, अल्लाह ने तौफीक बख्शी है तो कभी 1100 दे, कभी 111 दे, कभी 786 प्लस करके 11 दे दे। ये इस तरह से दिया करो उनके नाम पर, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता। हाँ बस अल्लाह सलामत रखे। मैं थोड़ी देर आपके सामने रहूंगा, मेरे बाद इंशाअल्लाह हुजूर का वो शहजादा आपके सामने आने वाला है जिसके चेहरे में खातून जन्नत की बारगाह की चमक नजर आएगी, और जिसके लहजे में मौलाए कायनात मौला अली के जलवे नजर आए, वो शहजादा इंशाअल्लाह हुजूर सैयदी सनदी सरकार सुहैल मियां साहिब क़िबला दामज़ल्लाहुल आली बिलग्राम शरीफ की सरजमीन से चल के आए हैं। बिलग्राम शरीफ की वो जमीन है जहाँ पे हमारे तुम्हारे आला हजरत भी जब जाते थे ना तो जूते उतार के जाया करते थे। उस जमीन का शहजादा आया है तो फिर हम कितने खुश नसीब हैं जिन्हें देखने के लिए लोगों की पैर की जूतियां खींच जाती हैं, तब जाके इनसे मुलाकात होती है। हम नसीब वाले नहीं कि आज वो शहजादा हमारा मेहमान बना। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। समझ रहे हैं ना आप लोग, आज वो शहजादा आया और उसके बावजूद भी अगर हमारी बस्ती के लोग घरों में लेटे तो यकीनन कम नसीबी है। अगर हुजूर कयामत में पूछेंगे हौज़े कौसर पीने आया है, हाँ हुजूर प्यास लगी है, जीभ इतनी निकली पड़ी है, हुजूर कहेंगे कल तेरे घर मेरा भी तो शहजादा गया था, अल्लाह अल्लाह वाह वाह, तूने कैसे उसका इस्तकबाल किया था, क्या घर से निकल के आया था, क्या तुझे याद आई थी इस निस्बत मेरे मुस्तफा से, कहीं तू जाके लेट तो नहीं गया था, कहीं तुझे नींद ने अपनी आगोश में तो नहीं ले लिया था, बता तुझे मेरा बेटा प्यारा था या तुझे मेरा बिस्तर प्यारा था, फिर बता क्या जवाब देगा। अगर उम्मीद करता है हौज़े कौसर में जाना है, अगर तुझे ये उम्मीद है कि हुजूर से हौज़े कौसर के जाम पीने हैं, आज आजा, हुजूर का बेटा आया हुआ है, आज उनके बेटे की कदमों में पल के बिछा दे, कयामत के दिन बगैर कहे मेरे हुजूर तुझे हौज़े कौसर के जाम। बात याद रखना, शुरू में बता दूं, भाई इसकी आवाज दब रही है तुम्हारे साउंड की, सुने मेरी बात, मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी औलाद से मोहब्बत की एक बार या उसकी खिदमत की या उसको कोई तोहफा पेश किया, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन वादा करता हूं अपना हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इतना अच्छा बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, आए वाह वाह जिंदाबाद, बेच रहे हैं जन्नत का, वाह हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खा, वाह वाह। लेकिन अफसोस है
एक बात की तकलीफ होती है हमारे गाँव में घरों में पीरा मुरीदी की दीवारें खड़ी हो गई। हाँ, जिस पीर को मैं मानता हूँ उसके सिवा मैं दूसरे को देख नहीं तैयार कि मैं क्यों मानूं वो है क्या। नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो। वाह वाह जिंदाबाद। ये याद रखना, हमारे घरों की अक्सर लड़ाई है, भाई भाई का दुश्मन है और पीर भी अल्लाह माफ करे ऐसे ऐसे जब हमारे मुरीद होंगे तो फला से बात मत करना, ये लड़ा रहे हैं लोग। इस कौम को तमाशा बना रखा लोगों ने, बाजार बना दिया। हम कहां खड़े हैं, हम कर क्या रहे हैं? क्या हमें उस दिन का ख्याल नहीं जिस दिन हमें अल्लाह रसूल के सामने जाना? क्या हुजूर नहीं पूछेंगे इस पीर का गिरेबान पकड़ के, बता इस उम्मत को मैंने पत्थर खा के बनाया था और तूने इस उम्मत को लड़ा के मेरी मेहनत की हुई चीजों को तूने तबाह कर दिया? क्या जवाब होगा हुजूर की बारगाह में? आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। वाह जिंदाबाद। कई जगह गांव में जाना होता वो कहते हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएगा भाई तू? कब मेरा पीर नहीं बुलाया? मुझे एक बात बताओ, सिलसिला कोई भी अगर सिलसिला मुत्तसिल है मुनकता नहीं है, ये भी जहन में बात रख ले। सिलसिलों ने भी बड़ी तबाही मचा रखी है आजकल के मामला, बीच बीच की कड़ियां कटी हुई हैं, लेकिन दे धक्का पे आ जाओ और ढूंढ ढूंढ के अमीरों को मुरीद किया जा रहा है। अमीरों के लिए घंटे तीन तीन घंटे टाइम दिए जा रहे हैं, गरीब से मुसाफा करने का भी वक्त नहीं। क्या कर रहे हो तुम? ये बाजार लगा रखे हुजूर से सीख मेरे नबी ने उन्हें भी सीने से लगाया जिन्हें कोई मुंह लगाने को तैयार ना था। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबी की चौखट है, तपती हुई धूप है, अरब की जमीन है। उस तपते हुए जमीन पर जहाँ पे लोग गलियों में निकला करते थे तो दीवारों के सहारे से चला करते थे, जमीन पे चलने की हिम्मत नहीं होती थी, इतनी तेजी की तपिश होती थी। उस सर जमीन की कहानी सुनाने लगा हो, वो भी सुने जो अमीरों से प्यार करते हैं, वो भी सुने जो गरीबों से सीने से लगाया कर। एक खातून आई, आने के बाद दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, मेरे हुजूर को इशारा करके बुलाया। अल्लाह अकबर। वो पैगंबर जो चले तो रहमतें निसार हो, जो बोले तो फूल से खिल जाए, जिसकी नजरें उठ जाए तो तकदीरें बदल जाए। हाथ जिस तरफ से उठा गनी कर दिया, मुझे पहले सखावत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई तम में तम आ गया, उस निकाह के इनायत पे लाखों सलाम। ऐसी पावर का मालिक जैसी इशारा खातून ने किया, मेरे हुजूर अपनी जगह से उठे बाहर खातून के पास खड़े हो गए। खातून ने बोलना शुरू किया, मेरे हुजूर सुनते जा रहे हैं। खातून बोलती जा रही है, बहुत देर हो गई। जब वो खातून अपनी मर्जी से जाने लगी तब सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह, इस खातून के पास आपने इतना कीमती वक्त अपना बर्बाद किया, जिस खातून को कोई मुंह नहीं लगाता है हुजूर, इसको पागल कहा जाता है, इसका दिमाग काम नहीं करता है। मेरे हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया सहाबा जिसे कोई मुंह नहीं लगाता क्या मोहम्मद उसे सीने से नहीं लगा सकता है? आका फरमाते हैं मैं किसी का दिल तोड़ने नहीं आया बल्कि मैं टूटे दिलों को जमीन पे छोड़ने के लिए आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। पार्टी पार्टी लिए घूम रहा, मोदी ने मार दिया, योगी ने मार दिया, नहीं आज इस कौम को पीरों ने तबाह कर डाला। सच्ची बात है, डर नहीं किसी भी बात का। खुदा की कसम टुकड़े ऐरे गैरे के नहीं खाए मैंने, टुकड़े आला हजरत की चौखट के खाए। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। परवा नहीं, लेकिन सच्ची बात ये है, मैं कहता हूँ तू कुछ भी कर लेकिन खुदा के वास्ते मेरे नबी की उम्मत को बर्बाद ना कर। मेरे हुजूर को ये उम्मत बड़ी प्यारी है, इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर ना की, क्या ना कहा। मेरे हुजूर ने फरमाया सुनो, कभी ऐसी छत पे न सोना जिसकी चार दीवारी। कायनात में कोई बाप अपनी औलाद के लिए इतना नहीं रोया होगा, कोई माँ अपने बेटे के लिए इतना नहीं रोई होगी जितना मेरा नबी इस उम्मत के लिए रोया। एहतियात देखो, आज लड़ा देते हो, गोलियां चलवा दी,
घर घर में तुमने बड़ी बड़ी दीवारें करा दी, एक पीर का मानने वाला दूसरे पीर के मानने वाले को एक नजर देखने तैयार नहीं, ये मिजाज है हमारे। और हुजूर ने कितना बचाया उम्मत को, कैसी छत पे न सोना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्यों, फरमाया हो सकता कोई नींद में उठ के चल दे और चार दीवारी ना होगी तो ये भी हो सकता पैर फिसले नीचे गिर जाए। फरमाते उम्मती जब नीचे गिरेगा उसको चोट लगेगी। आका फरमाते उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसके दर्द का एहसास पहले हो जाए। बताओ किसका पीर इतना प्यार करता है। यहाँ तो नजरें भी जेबों पे होती है साहिब, यहाँ तो ख्याल उनका आता है जो पैसे वाले होते हैं। और मैं गलत नहीं कहता, मुनाजिर हुसैन बदायूनी साहब क़िबला, इनके बच्चे हमसे बड़े बड़े हैं, इन्होंने जमाना देखा। अगर हजरत मेरा गलत हो मिंबर से उतार दे, अगर बात सच्ची हो ना तो आज के बाद ये गलती ना करना। मैंने यहाँ तक देखा, बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हैं, सब लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन सुने मैंने यहाँ तक देखा है अगर कोई अमीर आ जाता है तो डायरेक्ट अंदर लाइए, जब दस्तरखान बिछाया जाता है तो काजू बादाम अखरोट पिस्ता कौन सा ऐसा मेवा है जो दस्तरखान पे नहीं लगता। अगर गरीब आया है तो कहते हैं बाहर बैठाइए, जब फुर्सत होगी तब मिलेंगे। ओ यार तूने घंटे गुजार दिए, तुझे पता है ये जो बाहर बैठा है इसके पास इतना वक्त भी ना था जो ये तेरे लिए लगा देता। तूने इसके घंटे खर्च किए हैं, पता इसके बच्चे कहां से खाएंगे जिससे तूने सुबह से शाम तक इंतजार कराया है। ये शाम को जाएगा तो घर के खाने का इंतजाम कौन करेगा, और पहले मिलना तो जरूरी अमीर से ना था, पहले गरीब से मिल लेता, इससे घंटों इंतजार ना कराता, इसे सही वक्त पे निकाल देता। और खुदा के वास्ते ये फर्क ना किया करो, सबसे पहले दिल जोई करनी है तो अमीर की ना कर, उसके पास दिल को बड़ा करने के लिए दौलतें होती हैं। गरीब के पास दौलत नहीं होती लेकिन निस्बतें होती हैं। अगर तेरे दरवाजे पे गरीब आया था इससे घंटों इंतजार ना कराता, मुस्तफा की सुन्नत समझता, खुद खान का से बाहर निकलता, गरीब को सीने से लगा आता, इधर गरीब मुस्कुराता उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला सरजमीने भगानाडी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लूट के खा गए कौम को, ऐसा लड़ाया हमने। सीधी बात कहता हूँ, नहरें जितनी भी हैं जाके समंदर में गिरती हैं। वाह वाह। लेकिन कभी कोई समंदर किसी नहर में, बोलो किसी नहर में नहीं गिरा। कादरी हो, चिश्ती हो, सुहरवर्दी हो, कोई भी सिलसिला हो, ये सारे सिलसिले जाके मेरे मुस्तफा के कदमों में गिरते हैं। जब ये सारे सिलसिले मुस्तफा के कदमों में है और हर नहर मुस्तफा से है तो फिर तुझे लड़ाने का हक किसने दिया। अल्लाह। रह गई बात किसका पीर कैसा है, वो भाई जो दो रोटी खाता है वो दिमाग तो रखता है नहीं, बेशक है। किसी इंसान को घास खाते देखा, मिट्टी खाते देखा, क्यों नहीं खाता उसे पता है ये मेरी गिजा, मेरी गिजा बोले। अगर समझ में बात आ रही है तो, और ये मत सोचना ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की। वाह सुभान अल्लाह। हाँ मैं मिजाज खराब नहीं करता जलसे में जाके, मैं कभी ये नहीं कहता एक बार सुभान अल्लाह कह दो जन्नत तुम्हारी हो जाएगी, मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतना जानता हूँ अगर वो चाहे तो तेरे लब खोलने से पहले बख्श दे। वाह वाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। उसके कर्म के ऊपर बात है ना, मगर खुलूस होना चाहिए। कमेटी वालों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आमीन। बहुत बड़ी जात की महफिल सजाई है, मर जाना लेकिन ग्यारहवीं मनाना मत छोड़ो। बेशक सुभान जिंदाबाद। नस्लों से कह देना कि मर जाना ग्यारहवीं नहीं छोड़ना, ग्यारहवीं